right, left, right, left, right, left, right, left, left, done. Sir, sir, मुझे मुबारकबाद दीजिए सर, मेरा फोटो अखबारों में छपवाइए, प्रेस वालों को यहाँ बुला लीजिए, मेरे सीने पे एक मेडल लगवाइए सर। ए, क्या तमाशा, ये लड़की कौन है? सर, ये वही लड़की है जिसकी वजह से मेरी बीवी मुझसे तलाक मांग रही है सर। क्या बात कर रहे हो? सर, ये भोले और मासूम चेहरे वाली लड़की, लड़की नहीं, एक नंबर की जेब कतरी है सर। इसके करतूतों के कारनामे तो स्टार टीवी पे दिखानी चाहिए, स्टार टीवी पे, बीबीसी। देखा, सुना आपने? सर मुझे बताइए, इस पुलिस थाने के आसपास आने से पहले बड़े से बड़ा चोर दो बार सोचता होगा, लेकिन ये, इसने तो पुलिस थाने को अपना कमाई का अड्डा बना के रखा है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? सर मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ सर, मैं सच कह रहा हूँ सर। पता नहीं इसे पुलिस वालों के ही मारने में मजा आता है। क्या जेब? हर महीने के पहले तारीख को ये मेरी जेब काटती है और घर में मेरी बीवी मुझे काटती रहती है। वो समझती है कि मैं किसी बुरे कामों में फंसा हुआ हूँ, मैं शराब पीता हूँ, मुजरा सुनने जाता हूँ। लेकिन अब सारी समस्याओं का समाधान मिल गया है मुझे। जैसे इसने मेरा काटने की कोशिश की, क्या पॉकेट, मैंने इसका पकड़ लिया। क्या हाथ? ओ, हाथ पकड़ते टाइम थोड़ी सी भागम दौड़ी हो गई जिसमें मेरा ज्योग्राफी अब बिगड़ गया। ए लड़की, ये सब सच है क्या? मैं ऐसा कर सकती हूँ? सब झूठ है साहब, सब झूठ है। अच्छी खासी इमोशनल कहानी को क्राइम स्टोरी बनाकर सुना दिया आपको साहब। मैं सामने वाली बस्ती में रहती हूँ और ये हवलदार, हमेशा मुझे बेटी कह के बुलाता था, तो इसलिए मुझे भी इसमें बाप की झलक दिखाई देती थी। ए, क्या बकवास कर रही तू? ए, शट अप, आगे बोलो, कहानी में कुछ नया ट्विस्ट आ रहा है। साहब, हर महीने की पहली तारीख को ये मुझे घुमाने भी ले जाता था। इंटरेस्टिंग। झूठ बोल रही है सर, एकदम झूठ बोल रही है। शट अप, आगे बोलो। कभी पिक्चर, कभी चौपाटी, कभी नए नए कपड़े दिलाता था और कभी नए नए गहने भी, कभी ये तो कभी वो। साहब, मुझे क्या पता था कि इसके दिल में पाप है। आपको मालूम है साहब, क्या ये मुझे घुमाने के लिए होटल में भी लेके गया था, यानी कि क्लाइमेक्स। राम 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 राम, ये सब झूठ। बीच में मत बोलो शेवड़े, बीच में मत बोलो, एक्साइटमेंट बढ़ रहा है, आगे बढ़ो। साहब, उस होटल में इसके साथ ये चारों भी मौजूद थे साहब। मैं तो घबरा गई साहब, बहुत घबरा गई। मैंने कहा, बापू बापू, ये मुझे कहाँ ले आए आप? तो मालूम है साहब, ये बदमाश, ये निर्लज बोला कि जानी मैं तुझे अपने दिल की रानी बनाऊंगा। और साहब, उसके बाद ये पांचों विलन, अमरीश पुरी, गुलशन ग्रोवर, तेज सप्रू, प्रेम चोपड़ा और कौन था वो, और रंजीत। हाँ हाँ साहब, रंजीत भी, वो भी था साथ में साहब, और ये सब के सब मुझ पे टूट पड़े साहब। उसके बाद बैकग्राउंड म्यूजिक पे मेरी चीखें, मेरी चीखों पे बैकग्राउंड म्यूजिक साहब, और उसके ऊपर से इन सब लोगों की जबरदस्ती साहब। देखिए मेरी हालत, देखिए साहब मेरी हालत तो देखिए साहब, और ऊपर से इनकी चालाकी सुनिए साहब। अपना गुनाह छुपाने के लिए ये लोग मुझे यहाँ चोर बना के ले आए साहब। अब आप ही बताइए मैं क्या करूँ। ये बड़े, मुझे तुमसे ये उम्मीद ना थी। देवजबल साहब, मैं खरा बोल रहा हूँ, ये झूठ बोल रहे साहब। नहीं साहब। हट, आज के बाद कोई भी आंख तुम्हें बुरी नियत से नहीं देखेगी बहन। बहन? आपने मुझे बहन कहा? हाँ। भैया भैया भैया, आप कहाँ थे आज तक, कहाँ छुपे हुए थे भैया? ओ भैया, मेरे भैया, भैया मैं अगले साल आपको राखी बांधने जरूर आऊंगी भैया, जरूर आऊंगी। ये भाई भी तेरी राखी का इंतजार करेगा बहना। व्हाट अ स्वीट गर्ल, इनोसेंट, परफेक्ट हिंदुस्तानी। अबे ओ ढक्कन, वो देख, आज इसकी जेब साफ कर ही देती हूँ। बोल, लगाता है शर्त? क्यों अपनी जेब की दुश्मन बनी? अरे इसकी जेब काटने के चक्कर में हजार बार तो मुझे हार चुकी है। आज नहीं हारूंगी, क्योंकि आज का शगुन बहुत अच्छा है। सुबह इंस्पेक्टर को चूना लगाया, दोपहर को होटल वाले को, और अब इसकी बारी है। बोल क्या बोलता है? एक पे दस का भाव देगी? ठीक है, तो लगी 100 रुपए की। हट करके, लगाई भी तो सिर्फ 100 रुपए की। अरे चोरी लगाने को मैं 1000 रुपया लगा दूं, मुझे तेरी फिक्र है कि तू चुकाएगी कहां से। अबे ओ बुड्ढे, तूने मुझे क्या अपने जैसा समझा है? तू जेब ढीली करके रख, मैं अभी आती हूँ। हाँ
पकड़ी गई। ला मेरी जीत के पैसे ला। फिर हार गई तू। क्या करूं, तू जीतने का मौका ही नहीं देता। इस हार में ही तेरी जीत है। तेरा मकसद ही गलत है। क्यों करती ऐसे उल्टे सीधे काम? हाँ देख यार, अपना कोई बड़ा बुजुर्ग तो था नहीं जो अपने को सिखाता पढ़ाता। वक्त ने जो बनाया आशा बन गई, हालात ने जो सिखाया वो सीख गई, और अब तो हम ऐसे ही खुश हैं। अब मुझे भी खुश कर दो और मेरी जीत के पैसे देना। अबे देती हूँ, गला क्यों फाड़ रहा है? ए हीरो, हाथ तो छोड़ना। शुक्र करो हाथ मैंने थामा है। किसी दिन किसी पुलिस वाले ने पकड़ लिया तो तुम्हारी सारी जिंदगी सलाखों के पीछे आटा पीसते हुए गुजर जाएगी। आटा तो मैं भी पीसना चाहती हूँ, लेकिन सलाखों के पीछे नहीं, तेरी छत के नीचे।